काफी बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक सेटअप है जहाँ पे आपको पूरी व्यवस्थाएं दिखेंगी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, और एक्वापोनिक्स के लिए भी यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं। एक्वापोनिक्स वो पद्धति है जहाँ पे बिना उपजाऊ ज़मीन के, बिना ज़्यादा सिंचाई व्यवस्था के, आप हरी भरी साग सब्जियाँ उगा सकते हैं। अच्छा जी, तो अगर आपके पास
खेत है, हाँ, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं और अगर आपके अंदर एक किसान बनने की इच्छा शक्ति है जी, तो एक असीमित, बिल्कुल ही असीमित अच्छा स्तर की अपॉर्चुनिटी आपके सामने। अच्छा एक बात बताइए, ये कितना हेक्टेयर ये एरिया होगा? ये फार्म करीब करीब 7 हेक्टेयर में है। अच्छा जी, और यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की सारी सुविधाएं, सीडिंग से लेकर के प्लांटेशन से लेकर के जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या यूज़ करें, नेचुरल फर्टिलाइजर्स कैसे यूज़ करें, कैसे ऐसी उपज बनाएं जिससे हमारी जीवन शैली अच्छी हो जी जी, स्वास्थ्य अच्छा हो, हाँ हाँ, और जो उत्पाद हम बाज़ार में बेचें वो भी किसी के जान के लिए नुकसानदेह नहीं हो जी, अच्छा उत्पादन भी हो, वर्धक हो जी जी जी, इसी के लिए ये प्रयास है। और माननीय योगेश अग्रवाल जी का ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है, मैं उनकी तारीफ शब्दों में नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो सेटअप उन्होंने बनाया है जी जी, इस सेटअप को बनाने में उन्हें वर्षों लगे हैं जी, और उन्होंने अपना एक एस्टैब्लिश्ड कैरियर चार्टेड अकाउंटेंट के तौर पे एक स्थापित कैरियर को छोड़ करके उन्होंने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जो पहल की है। ऐसा क्या लगा कि चार्टेड अकाउंटेंट छोड़ कर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं या इस तरह का? विस्तार में तो योगेश जी बताएंगे आपसे मुलाकात होने पे, लेकिन जो मेरी उनसे बातचीत हुई उसके आधार पे मैं यही कह सकता हूँ कि जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे आपको ये लगता है कि अब मैंने अपनी पढ़ाई किसी और फील्ड में की, पैसे कमाए, लोगों ने मुझे जाना, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूं जिससे आने वाली पीढ़ियां मुझे लंबे समय तक याद रखें। तो योगेश जी ने ये जो पहल की, ये उन्होंने अपने पिताजी से प्रभावित होकर के, उनके पिताजी ने इसकी शुरुआत कराई थी ये पहल की। निश्चित तौर पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप लगाने में बहुत ही मेहनत और बहुत बड़ी इच्छा शक्ति का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो योगेश अग्रवाल जी ने अपना चार्टेड अकाउंटेंट के तौर पे एक स्थापित करियर को छोड़कर और एक नई दिशा में, जो काफ़ी जोखिम भरा भी था, तकनीक की जानकारी भी नहीं थी, सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, वो सारे वैज्ञानिक तो उपलब्ध नहीं थे, कैसे लगा कि इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं? उन्होंने ये आपको देखा, कैसे लगा कि इसमें योगेश अग्रवाल जी ने ये देखा कि हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, जो हम लोग काफ़ी पहले से बताते आए हैं, उसमें से रोटी और खाद्य सामग्रियाँ काफ़ी प्रदूषित हो गई हैं, और एक तरह से हम लोग जीवन को आगे चलाने के लिए, ऊर्जा लेने के लिए भोजन का उपयोग करते हैं, लेकिन उस ऊर्जा में जो जहर मिला हुआ है उससे जीवन आगे जाने की बजाय विभिन्न बीमारियों का शिकार हो जा रहा है। आप अगर ध्यान से देखें तो 2-3 दशक पहले इस मात्रा में कैंसर भारत में मौजूद नहीं था, इस मात्रा में अन्य और घातक बीमारियों के बारे में क्या चर्चा करना है। भारत बीमारी प्रधान देश भी हो चुका है, जहां विश्व की एक बहुत बड़ी आबादी हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर से जूझ रही है, और अगर समय रहते इस चीज़ पे विशेष ध्यान नहीं दिया गया, सरकार की तरफ से भी और नागरिकों की तरफ से भी, तो ये स्थिति बड़ी भयावह हो सकती है। योगेश अग्रवाल जी का ये कदम बहुत ही सराहनीय है, इन्होंने एक पहल की कि हमारे जो खाद्य उत्पाद हों, हम जो साग सब्जियां खाएं, जो अनाज खाएं, प्रदूषण रहित हो, वो हमारे शरीर में गुणकारी शक्तियां दें, ना कि विनाशकारी शक्तियों का आगमन कराएं। तो ये 7-8 हेक्टेयर में आप कितने प्रकार के सब्जियां का उत्पादन करते हैं? अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो पालक, गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, मूली, गाजर, इस तरह की विभिन्न सब्जियों के अलावा बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जी जी, जो यहाँ पे उगाए जाते हैं। इसकी संभावनाएं असीमित हैं, कृषि में ऐसा कोई उत्पाद नहीं है जो
ऑर्गेनिक फार्मिंग को इस्तेमाल करके नहीं उपजाया जा सकता हो। अच्छा, मैं ये जानना चाहता है कि आप लोग जब उत्पादन करते हैं तो इस सारे वस्तुओं को मार्केट तक, बाज़ार तक कैसे आप ले गए, उपलब्धता कैसे होती है, बाज़ार तक जाने की क्या संभावना है, किस तरह से ये बेचते हैं आप लोग? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि किसान के पास सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि उपज तो करता है वो, उपज तो करता है वो जी जी, लेकिन किसानों की, भारत के किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपने जीवन की जमा पूंजी लगा करके, अपनी पूरी मेहनत लगा करके जब एक उत्पाद तैयार करता है, आप मान लीजिए कि गोभी की फसल है, तो जब वो उग करके तैयार होती है और उसके बेचने का समय आता है, तभी वो समय होता है जब किसान अपनी मेहनत की और अपनी लागत की कीमत ढूंढता है, हाँ जी, कि इसका सही पारिश्रमिक मिलेगा जी जी, कुछ लाभ भी मिलेगा ताकि अगले साल की खेती हो पाएगी, यानी वाजिब मूल्य, वाजिब मूल्य मिलेगा जी जी। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि आज भी किसानों का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपने उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिलना। हालांकि सरकार ने बहुत सारे नए प्रभावी कदम बनाए हैं जहां पे उनके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जहां पे वो विभिन्न मंडियों में, पूरे देश की मंडियों को एक जुट करने का कार्य किया गया है, जहां से आप, अगर आप गोभी बक्सर में उगा रहे हैं तो दिल्ली में आज उसका क्या रेट है, इलाहाबाद में क्या रेट है और कहाँ तक आप उसे पहुँचा सकते हैं, उस रेट में दे सकते हैं, इन सब की जानकारी एक मंच पे साझा की गई है। ये सरकार का एक सराहनीय कदम है, बट बावजूद इसके अभी भी किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। योगेश अग्रवाल जी जैसे उद्यमियों ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, साथ ही उन्होंने मार्केट को भी अपने साथ कनेक्ट किया जी जी जी, जो बहुत बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, तो उनके साथ में समझौता किया, उनके साथ एग्रीमेंट साइन किए, और ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बाध्य हैं कि हम उन्हीं को उस दर पे ही वो सामान दें। उस दिन उस वस्तु की कीमत जो मुझे सबसे ज़्यादा देता है उसके यहाँ वो सप्लाई कर दी जाती है। तो जो उत्पाद हमारे हुए हैं उन उत्पादों के बिक्री का एक बहुत अच्छा मॉडल भी इन्होंने बताया है, जिसके बारे में योगेश अग्रवाल जी विस्तार से चर्चा करेंगे। बट बेसिकली वो मॉडल ये है कि आपके पास प्रोडक्ट है, अच्छा, आपको ये तय करें जी जी कि सीमित समय में, हाँ, जब तक वो प्रोडक्ट पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, जल्दी से जल्दी उनको बेचना होता है, तो उस सीमित समय में कहाँ तक आप उनका ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित कर सकते हैं और कितना बेहतर मूल्य आप ले सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी अध्ययन करके और बहुत सारे इंडस्ट्री से टाई अप किया है और वो अपने उत्पादों को बड़े अच्छे मूल्य पे लाभ के साथ बेच पा रहे हैं। अच्छा, मैं एक्चुअली आपका ओपिनियन जानना चाहता था कि जो ऐसे स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, अपना करियर बना रहे हैं, अगर इस फील्ड में आते हैं जो हम लोग देख रहे हैं, तो कितनी संभावना है? और हमारे इधर यूपी और बिहार के क्षेत्रों में अगर इस तरह का, जो दिल्ली में हम देख रहे हैं, अगर इस तरह का प्लान हम करते हैं वहाँ पे, तो कितना ग्रोथ करेगा, क्या भविष्य रहेगा उन विद्यार्थियों के लिए? मेरे हिसाब से मैं एक सेंटेंस में यही कहना चाहूँगा कि संभावनाएं असीमित हैं और ये प्रयोग करने की नितांत आवश्यकता है आज के समय में, कि एक बार इस प्रयोग को ज़रूर करके देखें, छोटे स्केल पर करके देखें, आप अपने घर की बालकनी में करके देखें, घर के आंगन में करके देखें, और बहुत बड़े लागत की आवश्यकता नहीं है। आप पहले छोटे स्तर पर प्रयोग करें, कॉन्फिडेंस लें और उसके बाद आप इसका व्यापक मॉडल एक्सप्लोर करें, योगेश जी जैसे उद्यमियों से संपर्क करें, इनके यहाँ ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है, इनके यहाँ मार्केटिंग की भी व्यवस्था है, इनके यहाँ सारे वो वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, सारे वो तकनीकी सलाहकार उपलब्ध हैं जो आपको एक ऑर्गेनिक फार्मिंग स्थापित करने में मदद कर सकते हैं जी। तो युवा पीढ़ी से मेरा एक यही अनुरोध होगा कि अपने भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाएं, एक्वापोनिक्स जैसी नई पद्धतियों का इस्तेमाल करें, कृषि क्षेत्र में आ रही परेशानियों को इन नई विद्याओं से दूर करें और अपने जीवन को और बेहतर बनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।